नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जियो के कस्टमर केयर से डायरेक्टली कैसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी आसान है, आप आसानी से बात कर पाओगे जियो के कस्टमर केयर से। किसी भी प्रकार का कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो इसके लिए आप अपना फ़ोन पे आओगे और अपना डायलर पैड को ओपन करोगे। ठीक है, डायलर पैड को जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ आ करके डायल करना है 198। ठीक है, 198 198। ठीक है, तो देखो 198 डायल कर लोगे और यहाँ पे डायलर का जो आइकन दिख रहा है इसके ऊपर आप कॉल करोगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो जैसे ही कॉल करोगे ये आपका कॉल लग जाएगा, देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे देखो अब मेरे भाई कुछ सेकेंड तक आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हड़बड़ा के सीधा आया, दबा के बटन जो है वो टिप टाप दिए और तुरंत बात हो गया। ठीक है, इस टाइप से नहीं होगा, तो कुछ सेकेंड तक सुन लेते हैं क्या क्या कह रहा है। अब देखो मेरे भाई इस टाइप से आ रहा है ना, तब चुपचाप से यहाँ पे आप तीन दबा दोगे। ठीक है, देखो तीन मैं दबा दिया हूँ। ठीक, अब यहाँ पे तीन दबाने के बाद कुछ सेकंड तक फिर वेट कर लेना, ऐसा नहीं फिर हड़बड़ा के टिप टाप दिए। ठीक है, सुनो अभी भी आप। अब देखो यहाँ तक सुन लिए ना, कि यहाँ तक बोल दिया कि आपका शिकायत उस नंबर के लिए है जिस नंबर से आप कॉल कर रहे हैं। बस इतना आप सुन लिए, बस मस्त से आप चुपचाप से 19 दबा दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब 1 और 9। ठीक है, कुल मिलाकर के 319 दबाना है, लेकिन शुरू में धैर्य रख करके, ऐसा नहीं हड़बड़ाक नहीं, अब देखो सीधा आप बात करोगे। थोड़ा सा मेरा स्क्रीन फूटा हुआ है इसलिए इधर से दिखा रहे हैं। ठीक है, नमस्कार मैम। नमस्कार, जियो का अभी रिचार्ज हमको कराना था, तो सबसे सस्ता प्लान कौन सा है एक महीने का? एक एक जीबी एक जीबी नहीं नहीं 4G। जी जी तो देखो मेरे भाई इस प्रकार से मैंने आपको बात करना बता दिया, मेरे को कोई डेटा वेटा का जानकारी चाहिए था नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आपको बात कर लेना है, 319 दबाना है। ठीक है, लेकिन हड़बड़ा के नहीं, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन सुनते जाना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बार बार छिपा रहा हूँ मेरा स्क्रीन, मैं पहले बता चुका हूँ स्क्रीन मेरा टूट गया भाई, गरीब आदमी हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन चूंकि फूटा हुआ है इस कारण से मैं इसे हाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी बोरिंग फील ना हो। ठीक, तो इस प्रकार से आप आसानी से बात कर सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।